وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरे प्यारे और अजीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, ये रजब तैयब अर्दोगान के ताल्लुक से, जो कि टर्की के सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनके ताल्लुक से हैं कि अंदर खाने में इसराइल और टर्की के अंदर कहीं ना कहीं लड़ाई का आगाज़ हो चुका है, लेकिन ये अभी बाहर नहीं पड़ा। जानते क्यों? इसलिए कि इसका जो आगाज़ है वो 2023 के बाद होगा। फ़िलहाल अभी तो इनमें जो है ज़ुबानी जंग शुरू हो चुकी है। ज़ुबानी जंग क्या है, मैं आपको बता दूँ। देखिए, शुरू से लेकर आखिर तक, आज तक जो इस्तांबुल है, जिसको पहले कुस्तुंतुनिया कहते थे कि पुरानी किताबों के अंदर, आज भी यहूदी और ईसाई उसको कुस्तुंतुनिया कहते हैं। और आज तक जितनी बार भी लड़ाई हुई है ना, वो बैतुल मुक़द्दस और कुस्तुंतुनिया को लेकर हुई है, इनको आज़ाद करने को लेकर हुई है। और आज भी यहूदी और ईसाई इसको अपनी जागीर समझते हैं, इसको फतह करने की कोशिश करते हैं। आखिर में उनका इरादा क्या है, वो इंशाल्लाह सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। आप इस पोस्ट के ज़रिए देखिए, मैं इंशाल्लाह आपको पूरी बात पढ़ करके बता कि आखिर मामला क्या है। देखिए, बात यह है कि अर्दोगान ने इसराइल को कहा, तुम्हारा हाल तुम्हारे बाप दादों जैसा कर दूंगा, इस्तांबुल के बारे में थोड़ा गलत सोचा। तो तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग हमारी राजधानी इस्तांबुल को कुस्तुंतुनिया बनाने की सोच रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उनका हाल वही होगा जो उनके बाप दादा का हुआ। हम उन्हें कफन में लपेट कर वापस भेजेंगे। अपने दुश्मनों को सख्त चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि जब जब तुम लोगों ने इस्तांबुल पर हमला करने की और उस पर कब्ज़ा करने की सोची, तब तब हमने तुम्हें सबक सिखाया और तुम्हें ज़िंदा भी वापस भेजा और कफन में लपेट कर भी भेजा। इस बयान के बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि यहूदी और ईसाई इस्तांबुल को कुस्तुंतुनिया के नाम से जानते थे, लेकिन इस पर उस्मानिया सल्तनत का शासन रहा और वे हमेशा इस पर कब्ज़ा करने के लिए हर प्रकार का हथकंडा अपनाते रहते थे और इसे कभी भी इस्तांबुल उन्होंने स्वीकार नहीं किया और इसे अपने भाषणों और रैलियों में कुस्तुंतुनिया कहकर संबोधित किया। हाल ही में इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बेटे ने इस शहर को इस्तांबुल की जगह कुस्तुंतुनिया कहा। और न्यूजीलैंड में भी आपने देखा होगा कि एक हमला हुआ था, तो उसमें जिस आतंकवादी ने हमला किया था उसने भी इसको कुस्तुंतुनिया आज़ाद करने की बात कही थी। मतलब यह है कि अभी तक जो इन लोगों को खिलाफत उस्मानिया बनने से पहले जो हार इनको मिली थी और सल्तनत उस्मानिया का जो बुनियाद रखी गई थी वहाँ पर जो इनको हार मिली थी, इनको इनके मंसूबा पानी फेर दिया गया था और इनको कत्ल किया गया था, इनकी सारी जो मंसूबे थे उनको फेल किया गया था। आज तक ये लोग उसको नहीं भूल पाए हैं और आज तक ये लोग यही सोचते हैं कि हमें किसी भी तरीके से फिर से मुसलमानों से बदला लेना है, चाहे उसके लिए हमें कितने भी पापड़ पेलने पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, कितने भी जासूस भेजने पड़े, हमें चाहे किसी भी तरीके के हथकंडे इस्तेमाल करने पड़े, लेकिन हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे और हमें हमारा इस्ताम यानी कुस्तुंतुनिया वापस लेना होगा। लेकिन याद रखें, न्यूजीलैंड में हुए आतंकवादी हमले के आरोपी ने अपने घोषणा पत्र में यही बात कही कि हम वापस इस्तांबुल को फतह कर लेंगे और वहाँ की सारी मस्जिदों को चर्च बना देंगे। आपको बता दें कि तुर्की ने यह बयान भी जारी किया कि उस हमले का आरोपी तुर्की भी आया था। तैयब अर्दोगान पूरी दुनिया के मुसलमानों के खलीफा बनते जा रहे हैं। अर्दोगान ने अरब देशों को लगाई लताड़, कहा शैतान काबे में घुस जाएगा, अगर चुप रहोगे तो बराबर बने रहें। यानी याद रखें कि उन्होंने ये बात कही है कि शैतान काबे में घुसा चला जा रहा है और तुम लोग अभी भी अय्याशी कर रहे हो, अभी भी शराब पीने में वक्त गुजार रहे हो, अभी भी तुम अपने यहाँ पर सिनेमा और थिएटर खोलने की बात कर रहे हो, अभी भी तुम पूजा और पाठ में लगे हुए, तुम्हें शर्म नहीं आती। रजब तैयब अर्दोगान ने अरब के अय्याश शेखों को ये दर्स देते हुए कहा कि सुधर जाओ, वरना याद रखें न सुधरोगे तो मिट जाओगे। ए जालिम अय्याशों, तुम्हारा नाम तक ना रहेगा इन दास्तानों के अंदर। तो हज़रात, आप ये खबर आगे ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।